हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको क्लास फोर्थ का इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर, जो कि मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य, जो कि मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, उसकी हम आज एक्सरसाइज करेंगे। द ग्रुप द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस, रीराइट देम इन प्रॉपर ऑर्डर। ना, ये कुछ क्या दिए हुए हैं यहाँ पे? ग्रुप्स दिए हुए हैं, समूह दिए हुए हैं, जिनका कोई सेंस नहीं है। उन्हें हम रिराइट देम इन प्रॉपर ऑर्डर, उसे हम कैसे लिखेंगे? प्रॉपर सेंस में, सही तरीके से लिखेंगे। ये सेंटेंसेस गलत दिए हुए हैं। रीड्स ही इन माई क्लास, इसको प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। रीड ही इन माई क्लास, इसको हम प्रॉपर सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? He reads in my class, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। ये गलत सेंटेंस है और इसका हमें प्रॉपर सेंटेंस इस तरीके से बनाना है। ऐसे ही हम आगे देखेंगे, my is रमेश elder brother, इसका हम सही बनाएंगे सेंटेंस, रमेश is my elder brother, रमेश मेरा बड़ा भाई है। Drink we milk daily, ये गलत सेंटेंस है, इसका हम सही तरीके से बनाएंगे, we drink daily milk, हम रोज़ाना दूध पीते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, माई फ्रेंड सोनू इसका हम सही बनाएंगे, सोनू इज़ माई फ्रेंड, सोनू मेरा दोस्त है। प्लेज क्रिकेट मैदान डेली, इसका हम सही बनाएंगे, ये गलत सेंटेंस लिखा हुआ है, ये गलत सही तरीके से बनाएंगे, मैदान प्लेज डेली क्रिकेट, है ना। मदन किसके साथ खेल क्या खेलता है? रोज़ाना क्रिकेट खेलता है। आगे है, द रिवर यमुना इज़ ए होली, ये गलत सेंटेंस है, इसका हम सही बनाएंगे, द यमुना इज़ ए होली रिवर, यमुना क्या है? एक पवित्र नदी है। पॉलिसी बेस्ट द इज़ ऑनेस्टी, इसका ये गलत सेंटेंस है, इसका हम प्रॉपर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है? एक बेस्ट पॉलिसी है। नीड वाटर ए ग्लास ऑफ वी, इसका हम सही बनाएंगे, वी नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या है? हमें एक ग्लास पानी की ज़रूरत है। शी इज़ मुंबई लीव्स, शी इन मुंबई लीव्स, इसका हम प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे, शी लीव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है। आर इंग्लिश लर्निंग वी, इसका हम सही सेंटेंस बनाएंगे, प्रॉपर वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। हेड बॉय इज़ मदान ऑफ आवर स्कूल, ये गलत सेंटेंस है बच्चों, तो हम इसे सीधा करके सही करके प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे? मदन इज़ हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल, मदन क्या है? हेड बॉय है, किसका? हमारे स्कूल का। विल विन द मैच आवर क्रिकेट टीम, ये गलत सेंटेंस दे रखा है, इसे प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, आवर क्रिकेट टीम विल विन द मैच, हमारी जो क्रिकेट टीम है, है ना, क्या है हमारा? क्रिकेट टीम विल विन द मैच, वो मैच को जीत चुकी है।